कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, कर दरियाओं को आर पार। ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद एक बार फिर मैं आपके सामने आ गया हूँ। दोस्तों, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का चैप्टर कर रहे हैं और दोस्तों ये लेक्चर नंबर 5 है आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ये छोटे 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 लेक्चर्स आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और मैं यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूँ कि आप कहीं पे भी किसी भी जगह बैठे हैं, आपका अगर टीचर अच्छी तरह से नहीं पढ़ा रहा, अगर आपको वो बातें समझ नहीं आ रही, अगर उसका तरीका समझ नहीं आ रहा, अगर आप सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों उस बात को पूरा करने के लिए मैं आपके सामने नए नए एग्जाम्पल्स, नई क्रिएटिविटी और इन सभी को मैं यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहा हूँ। आइए दोस्तों, रजिस्टर ओपन कर लीजिए। आप उम्मीद है कि आप रजिस्टर खोल चुके होंगे क्योंकि आज से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं। आज से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट स्टार्ट हो जाएगा मेरे बेटे। बेटे 4 लेक्चर्स में ले चुका हूं, उसमें खाली अकाउंटिंग की बातें की है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट है क्या। अभी मैंने वैसे जनरली कुछ ज्यादा बताया नहीं, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, IFRS क्या है, जर्नल क्या है, लेजर क्या है, सब्सिडरी बुक्स क्या है, अक्रूवल सिस्टम क्या है, कैश अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, अकाउंटिंग अकाउंटेंसी वगैरह में डिफरेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कुछ नहीं बताया। बेटे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि अगर हम पहले प्रैक्टिकल समझ लेंगे तो थ्योरी जल्दी समझ आ जाएगी। मैं खाली थ्योरी अगर आपको बता देता तो बेटे यकीन मानिए मैं सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट आपको रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो थ्योरी के लेक्चर्स मत देखना, चैप्टर 3 ऑनवर्ड्स बेटे जो प्रैक्टिकल स्टार्ट है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, और उसमें भी अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर को पहले देखना, के कंसेप्ट को देखना, क्योंकि वही प्रैक्टिकल है। तो बेटे मैं जिस तरह से कह रहा हूं, जैसे बता रहा हूं, आप प्लीज उसी तरह से करते जाएं और देखिएगा कुछ दिनों के बाद आपको सब कुछ, वैसे तो अभी भी समझ आ रहा होगा, लेकिन आप अपने फर्स्ट टर्मिनल में, अपने हाफ ईयरली में, आप अपने एग्जामिनेशन में ज्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो निकाल लीजिए दोस्तों, बस एक बात और कहनी है कि आप 2 हाइलाइटर जरूर अपने साथ रखें। आप देखिए मैं जो है पेन्स अलग अलग कलर के यूज कर रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पेन्स मैं यूज करता हूँ। बेटे मैंने एक टेक्निक सीखी थी अमेरिका से, उसको बोलते हैं हाइलाइटर टेक्निक। आप 2 कलर के हाइलाइटर जरूर परचेज करें, एक येलो कलर का और एक ऑरेंज कलर का, जो भी इंपॉर्टेंट हो उसको उसी समय हाईलाइट करें, येलो कलर को येलो से, ऑरेंज कलर को ऑरेंज से। हाईलाइट करने से आपकी आईज उस चीज को जल्दी से एक्सेप्ट करती है और समझती है। बेटे कलर्स यही है, आप ये बताइए आपके सामने कोई लड़की जा रही है और आप लड़के हैं, तो उस लड़की ने बिल्कुल नॉर्मल सीधे साधे कपड़े पहने हैं तो आपकी शायद नजर ना भी जाए, लेकिन उसके साथ ही अगर कोई दूसरी लड़की जा रही है और रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं तो बेटे आपकी नजर उस तरफ जाएगी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि रंग बिरंगी चीजों को आंखें जल्दी एक्सेप्ट करती है, माइंड जल्दी एक्सेप्ट करता है, तो आपका जो रजिस्टर है बेटे रंग बिरंगा होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट कर दें, लेक्चर नंबर 5 खोल लीजिएगा। और आज के लेक्चर में मैंने एक नई कोटेशन लिखी है आपके लिए, प्रैक्टिस मेक्स द मैन एंड द वुमेन। मैंने नहीं लिखा मैन एंड वुमेन, मैंने लिखा प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। बेटे करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान। बेटे इस लाइफ में कोई ऊपर से सीख के नहीं आता, आपको चलना भी नहीं आता था, आपको बोलना भी नहीं आता था, लेकिन आज आप कितना बोलते हैं, आज आप कितना चलते हैं, आज आप भागते हैं, किस वजह से, प्रैक्टिस की। आप गिरे फिर प्रैक्टिस की, फिर प्रैक्टिस की, फिर गिरे फिर प्रैक्टिस की, और धीरे धीरे आज बेटे आपको चलना आ गया। बिल्कुल उसी तरह से कोई मैं जब ऊपर से नीचे आया तो अकाउंट सीख के थोड़ी आया था, या कोई सीख के थोड़ी आता है। बेटे धीरे 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 नई चीज को हम समझते हैं, करते हैं, फिर गलतियां करते हैं, फिर समझते हैं, फिर लॉजिक समझते हैं, फिर कंसेप्ट समझते हैं, और धीरे धीरे हमारे पास वो स्किल आ जाती है। और ये जमाना स्किल का है। उम्मीद है कि आपने ये कहावत सुनी होगी, करत करत अभ्यास से सिल पर परत निशान। क्या मतलब बेटे, बार 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 अभ्यास करने से, जिस तरह से एक रस्सी के बार बार खींचने से पत्थर पे निशान पड़ जाते हैं, जिस तरह रस्सी के खींचने से पत्थर पे निशान पड़ जाते हैं, बेटे उसी तरह से
एक व्यक्ति, एक पर्सन, एक स्टूडेंट अगर बार बार उसको करे और लॉजिक समझ के करे तो बेटे बेटे वो विद्वान बन सकता है। और सरस्वती जी का धन ऐसा धन है जो कभी चोरी नहीं हो सकता। विद्या ददाति विनयः, और बेटा विद्या के धन से सभी चीजें इस दुनिया की, ऐश्वर्य, पैसे, बाइक, गर्ल, सब कुछ, गर्लफ्रेंड, हर चीज मिल सकती है। आपको बस इस समय ध्यान व्हाट्सएप से हटाना है, अपने मोबाइल फोन से कम करना है और पूरा ध्यान आप बेटे फोकस हो गए अगर आप उस चीज को पाने में लग जाएंगे तो कहते हैं भगवान भी मिल जाते हैं, ये तो अकाउंट्स है। तो चलिए इसी बातों के साथ बेटे मैंने अभी तक आपको 4 लेक्चर्स करा दिए, आज 5th लेक्चर है और इन 4 लेक्चर्स में मैंने आपको कुछ अजम्पशंस बताई, कुछ अकाउंट्स के बारे में बताया और फिर मैंने कुछ आइटम्स बताई, कुछ इक्वेशन बताई और फिर मैंने कुछ एसेट्स, लायबिलिटी वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको 6-7 आइटम्स टर्म्स का मीनिंग बताया। अभी बहुत सारी टर्म्स है जो मुझे बतानी है लेकिन मैं खाली आपको एक बार बता रहा हूँ कि मैंने क्या बताती। अब आज के लेक्चर 5 में मैं क्या बताती, एक बच्चा कहता है सर क्यों बोल रहे बताती, बेटे बेटे मैं कह रहा हूँ आपको मैं अलग अलग तरीकों से बताना चाहता हूँ कि आपका इंटरेस्ट बना रहे क्योंकि मैं दूर हूँ ना आपके, तो इसलिए कह रहा हूँ कमर बिल्कुल सीधी करके बैठेंगे बेटे, कमर ढीला नहीं बैठेंगे, लेट के नहीं पड़ेंगे बेटे, बेड के ऊपर लेट पड़ना पाप है बेटा, मोबाइल फोन को बंद कर देंगे बेटे, रजिस्टर में लिखेंगे, आप ज्यादा समझदार नहीं बनेंगे, विद्या उन्हीं लोगों के पास ज्यादा आती है जो झुक कर काम करते हैं, झुककर मतलब पोलाइट होकर, हम्बल होकर, लेकिन कमर सीधी होनी चाहिए बेटा। आइए बेटे मैंने पिछले 4-5 लेक्चर्स में ये बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट। एसेट का मतलब आपको पता ही है ऑब्लिगेशन, एसेट का मतलब है जो बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलने वाले हैं, जो वैल्यू, जो हमें उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, एसेट के बारे में बता चुका हूं। कैपिटल, फिर मैंने बताया कैपिटल क्या होती है और बेटे लास्ट लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको ड्राइंग्स के बारे में बताया, तो इसलिए मैंने कैपिटल और ड्राइंग्स एक साथ लिख दी, फिर मैंने लायबिलिटीज के बारे में बताया, कर्ज के बारे में बताया, फिर मैंने कहा ये एसेट्स जो है वो यूजेस ऑफ कैश है, यूजेस ऑफ कैश। अब एक बच्चे ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी, बेटा क्या बोल रहा मास्टर, बेटे मैं कह रहा हूँ यूजेस ऑफ कैश, इसका मतलब आपके पास पैसे 2 तरह से आ सकते हैं, या तो आपके अपने पैसे बेटे, या तो आपके अपने पैसे या आपने वो पैसे उधार लिए हैं, 2 ही तरह से पैसे आ सकते हैं बेटे, बेटे 2 ही तरह से आ सकते हैं। मैंने कहा इक्विटी और डेट, आई कैन गेट फंड्स थ्रू 2 सोर्सेस, वन इज द मनी विच आई हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड एज अ ओनर इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एंड द मनी विच आई हैव बोरोड फ्रॉम द पब्लिक, जो मैंने कर्ज लिया है, जो मैंने लोन लिया है बेटे उसको लायबिलिटीज बोलते हैं। तो लायबिलिटीज भी 3 तरह की होती है, हमने डिस्कस किया था, लायबिलिटी का मतलब लोन ले लिया, लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर्स, लायबिलिटी मतलब आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स, जो मुझे पेमेंट करनी है मैंने अभी नहीं की। तो बेटे मैंने पिछले लेक्चर में एसेट तक बता दिया, कैपिटल बता दिया, ड्रॉइंग्स। बेटे लाला जी अगर दुकान से अपने घर के लिए इस्तेमाल के लिए कुछ लेके जाते हैं, कुछ पैसे विड्रॉ कर लेते हैं, कुछ गले से पैसे अपनी जेब में रख लेते हैं, मैं कहूंगा इट इज नेम्ड एज ड्रॉइंग्स। और बेटा लायबिलिटीज, और फिर मैंने बताया था एक्सपेंस और इनकम, मैंने कहा था एक्सपेंस और इनकम इंटेंजिबल है, एक्सपेंस और इनकम को आप देख नहीं पाते, आप इनकी पेमेंट करते हो क्योंकि आपने सर्विसेज ली है, बिकॉज यू हैव टेकन सर्विसेज और यू हैव गिवन सर्विसेज। आई रिपीट, आई हैव यूज्ड 2 वर्ड्स, या तो आपने सेवाएं ली है, जैसे मैंने कहा था रेंट पेड, रेंट एक्सपेंस, रेंट पेड, कमीशन पेड, कमीशन एक्सपेंस, ऑटो रिक्शा फेयर पेड, ऑटो रिक्शा फेयर एक्सपेंस, रिपेयर पेड, रिपेयर एक्सपेंस। बेटे आपके घर में एसी खराब हो जाता है, भगवान ना करे, या इलेक्ट्रीशियन आता है तो क्या इलेक्ट्रीशियन को पैसे नहीं देते बेटे? तो बेटे क्या किया आपने, आपने उससे सर्विसेज ली, आपने जब ली तो कैश देना पड़ता है, कैश जाता है, कैश आउटफ्लो होता है, तो बेटे इसको हम बोलते हैं एक्सपेंस। और इन्हीं सेवाओं की वजह से अगर आपको पैसे मिलते हैं, आपने आगे सेवाएं दी, you have granted the services, you have collected the fees because you have given the coaching to some students and you have given your premises on rent, so you have collected rent received, so I will say
The opposite of expense will be income. All these items can be income or expense. The logic behind that is when cash is going out, जब आपके पैसे जा रहे होते हैं इस intangible के लिए तो उसको expense बोलते हैं, और जब आ रहे होते हैं rent आ रहा है, rent receive, fees receive, commission receive, तो that is income. तो बेटा मैंने expense और income के बारे में बताया, फिर मैंने बेटे ट्रांजैक्शन के बारे में बताया और डबल एंट्री के बारे में बताया. ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? मैंने कहा एज ए अकाउंटेंट अगर कोई इवेंट होता है, कोई हादसा होता है, और उस हादसे की वजह से देयर इज अ चेंज इन एसेट्स और इन कैपिटल और इन लायबिलिटी, इफ देयर इज एनी चेंज, अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन, ऐसा कोई इवेंट होता है जिससे कैपिटल में या लायबिलिटीज में या एसेट्स में चेंज आ जाए, उनकी वैल्यूज में चेंज आ जाए, तो मैं कहता हूं दैट इज नेम्ड एज इक्वेशन, दैट इज नेम्ड एज अ ट्रांजैक्शन. एज ए अकाउंटेंट आई विल ओनली रिकॉर्ड दोज ट्रांजैक्शंस ड्यू टू विच देर इज अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ ईदर कैपिटल और लायबिलिटीज और एसेट्स. इस मोटा मोटी अगर पैसे में बदलाव आया है उस इवेंट की वजह से, मतलब पैसा कम हुआ है या पैसा बढ़ा है, मतलब लेन देन कुछ लिया है या कुछ दिया है, दैट इज अ ट्रांजैक्शन. एंड एज एन अकाउंटेंट वी ओनली राइट डाउन दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच हैव द इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट कैपिटल एंड लायबिलिटीज. तो दोस्तों इस बंदे को भूपेश आनंद कहते हैं. दोस्तों मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं, कंपनी सेक्रेटरी भी हूं और कॉस्ट अकाउंटेंट भी हूं, और मैंने बड़े सारे कोर्सेज लंदन और अमेरिका के कर भी लिए और करने भी वाला कर भी रहा हूं. तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डबल एंट्री भी बताया था. डबल एंट्री का मतलब है इस दुनिया में आप कुछ जब लेते हैं तो आपको देना पड़ेगा. अगर आपको टॉप चाहिए अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में, तो मेहनत करनी पड़ेगी. फॉर गेटिंग समथिंग You have to lose something. बेटा दुनिया का एक रूल है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा. तो इसका मतलब हम अकाउंट्स में भी इसी रूल को फॉलो करेंगे. इसका नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ आने वाले लेक्चर्स में इसके बारे में, अभी उतना ही बता रहा हूँ जितना आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए पता होना चाहिए. मैं उतना ही बताती जितना आपको पता होना चाहती. That is the point. So double entry means, बेटा छोटे से बच्चे को आप मार्केट भेजो टॉफी के लिए, उसको पता है कि वो दुकानदार, वो बिजनेसमैन, वो शॉपकीपर उसको फ्री में वो टॉफी देने वाला नहीं है. आसमान से जरूर टपकेगी, चोरी थोड़ी करना ही है. तो दोस्तों मैं आ रहा हूं एसेट्स के ऊपर, कि एसेट्स के बारे में जो मैंने बताया आपको, मैंने कहा एसेट्स आर द बेनिफिट्स, एसेट्स आर द वैल्यूएबल थिंग्स, एसेट्स उन वस्तुओं का नाम है, उन वस्तुओं का नाम है जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा. इट मींस द थिंग्स विच वी परचेज और द थिंग्स विच वी हैव एंड विच विल गिव अस बेनिफिट इन फ्यूचर आर नेम्ड एज एसेट्स. एंड आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एसेट्स. मैंने आपको बताया कि देयर आर तीन तरह के एसेट्स होते हैं. एक एसेट हम मैंने कहा जो बेनिफिट्स आपके पास आज है, जो थिंग्स, जो वस्तुएं हैं, जो ऐसी आइटम्स, ऐसी चीज जिसका फ्यूचर में बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा, डेटर्स एंड प्रीपेमेंट्स. तो बेटा मैंने तीन बातें बताई, फिर मैंने आपको लायबिलिटीज के बारे में बताना स्टार्ट किया, और मैं लायबिलिटी से पहले कैपिटल के बारे में बताऊंगा. बेटे कैपिटल का मतलब है एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट द ओनर एंड द बिजनेसमैन टू डिफरेंट पर्संस आर देयर एंड समथिंग व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर. जो भी कुछ ओनर अपनी पूंजी लगाता है बिजनेस में उसको कैपिटल कहते हैं, और जो बिजनेस से लेके जाता है अपने घर में पर्सनल यूज के लिए उसको ड्राइंग्स कहते हैं. तो प्लीज आप ये ग्राफ, ये ड्राइंग जरूर बनाएं. कैपिटल इज समथिंग विच इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड एंड ड्राइंग इज ऑपोजिट फॉर दैट. आई हैव यूज द वर्ड, मैंने निजी हिंदी में वर्ड यूज किया, मैंने इंग्लिश में पर्सनल यूज किया. अगर वो कैश या काइंड लेके जाता है तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं. बेटे उसके बाद मैंने लायबिलिटीज बताई, कर्ज, बेटे जो मैंने उधार लिया है जो मुझे देना पड़ेगा, दैट इज अ लायबिलिटी. और लायबिलिटी के बारे में बताया लोन, मैंने कहा देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, लोन, क्रेडिटर्स,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स जो मुझे करनी है मैंने की नहीं, रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, टेलीफोन एक्सपेंसेस पे करने हैं, नेट एक्सपेंसेस पे करने हैं, अभी नहीं किए तो मुझे आगे देने पड़ेंगे क्योंकि नेक्स्ट बिल के साथ वो ऐड हो जाएंगे। तो ये बातें मैंने आपको ऑलरेडी प्रिपेयर कर दी। और फिर मैंने एक बड़ी प्यारी सी बात बताई, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स। लायबिलिटीज प्लस कैपिटल मतलब हम लायबिलिटीज और कैपिटल को सोर्सेस भी कहते हैं। And it is equal to capital. It is equal to capital. It is equal to assets. बेटे assets को uses कहते हैं। बेटे पैसे दो तरह से आ सकते हैं, आपके अपने या उधार से लिए। अपनों को capital बोलते हैं, उधार से लिए को liabilities बोलते हैं। मेरे पास इतने पैसे आ गए, अब मैं इनको यूज कर रहा हूँ, कैश पे रख रहा हूँ, कुछ assets खरीद रहा हूँ। बेटे खाली पैसा रखने से मेरा धंधा थोड़ी चलेगा, मेरा बिजनेस चल ही नहीं सकता। बेटे बिजनेस को चलाने के लिए मेरे पास वस्तुएं होनी चाहिए, मेरे पास एसेट्स होने चाहिए, मेरे पास बिल्डिंग होनी चाहिए, मेरे पास लैंड होना चाहिए, मेरे पास फर्नीचर होना चाहिए, मेरे पास गुड्स होनी चाहिए। बेटे तभी तो मैं अपना धंधा चला सकता हूँ, ये तो नहीं चलेगा। तो बेटे मैं भूपेश आनंद आपको एक बार और एक नई चीज की तरफ लेके चल रहा हूं। फिर मैंने कहा था देयर आर एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। बेटे हमने एक्सपेंसेस की बात की थी, इनकम्स की बात की थी। मैंने कहा था एक्सपेंसेस इंटेंजिबल्स है, इनकम भी इंटेंजिबल्स है। एक्सपेंसेस हम सर्विसेज लेने के लिए देते हैं, इनकम हम सर्विसेज देने के लिए लेते हैं। आप बात समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? तो अगर कैश आ रहा है, इफ कैश इज कमिंग, दैट इज इनकम। एंड इफ कैश इज गोइंग आउट, आई एम पेइंग रेंट, आई एम पेइंग कमीशन। मैं रेंट दे रहा हूँ, मैं कमीशन देती हूँ, मैं टेलीफोन एक्सपेंसेस पे करती हूँ, मैं फेयर एक्सपेंसेस देती हूँ, मैं रिपेयर पे करती हूँ, दैट इज एक्सपेंस। बेटे एक्चुअली में हम पे कर रहे हैं ना, कैश जा रहा है, हम उसका नाम दे देते हैं, रेंट पेड, रेंट एक्सपेंस वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे 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 बेटे प्लीज ये चार्ट प्रिपेयर कर लीजिए। रेंट पेड रेंट एक्सपेंस, फीस पेड फीस एक्सपेंस, रिपेयर पेड रिपेयर एक्सपेंस। बेटा पेमेंट फॉर एंजॉयिंग सर्विसेज, इट मींस आप सेवाएं ले रहे हो, सेवा ले रहे हो तो आपको पे करना पड़ेगा बेटे। तो दैट इज नेम्ड एज क्या? एक्सपेंस एंड इनकम। बेटे लास्ट दो बातें बताई थी, ट्रांजैक्शन के बारे में और डबल एंट्री के बारे में। ट्रांजैक्शन मैंने कहा था कोई ऐसी आइटम, कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसा इवेंट जिससे मेरे पैसे आ रहे या जा रहे, या मेरी पोजीशन में फर्क पड़ जाएगा, या मेरी वैल्यूएशन में फर्क पड़ेगा, या मेरे एसेट्स में, मेरी लायबिलिटीज में, मेरे कैपिटल में, या सब में, या कुछ में, या एक में अगर फर्क पड़ता है, चेंज आता है, लेन देन, दैट इज नेम्ड एज अ ट्रांजैक्शन। प्लीज राइट डाउन। देखिए कितनी अच्छी आपके लिए मैंने हाइलाइटर्स यूज किया कि आपको समझ आए। बेटे आप ये हैं, आप अकाउंटेंट हैं। एक बच्चा कहता सर मैं अकाउंटेंट हूँ। मैंने कहा बेटे आप अकाउंटेंट हो, बेटे आप अकाउंट्स कर रहे हो तो आप अपने आप को अकाउंटेंट मानो, और आप किसी धंधे के अकाउंटेंट हो तो बेटे अगर हादसा हुआ वहां पर धंधों में, धंधा बेटे इसको बनिया की भाषा बोलते हैं धंधो, मैं इसको धंधो बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस यू नो, and there must be something, you know, lend and deal. It means you are getting something or you are paying something, and due to that your asset, your capital or your liability is being changed, is being changing. Then it is named as, that event is named as a business transaction. And as an accountant, you have to pass, you have to record that transaction. So please prepare this diagram, lend deal, and if there is a change in the value, rokda, paisa. करती है ये ले तू पैसा हो जा तू मेरी, कैटरीना का गाना दिखाया था। तो बेटा मैंने फिर कैटरीना लिख दिया। अगर पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है तो दोस्तों हम क्या करेंगे उसको ट्रांजैक्शन बोलेंगे, और हम लिखेंगे उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो लास्ट पॉइंट मैंने ये सब बताया था, पॉकेट वन से पॉकेट टू में गए, मेरी पॉकेट से मेरे लॉकर में चले गए, बट आपकी पॉकेट से मेरे में आ गए, या मेरी पॉकेट से आप में चले गए। तो यहाँ तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, यहाँ भी कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, यहाँ पर रिकॉर्डिंग करेंगे बेटे। तो चलिए जी, ट्रांजेक्शन मीन्स चेंज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल लाइबिलिटीज और एसेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटीज और एसेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटीज
और एसेट्स। तो आइए दोस्तों लास्ट पॉइंट की तरफ मैं बढ़ रहा हूं और सबसे प्रीशियस, क्योंकि आज मेरे बेटे प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है। आज मैं बहुत खुश हूं बेटे, अकाउंटिंग इक्वेशन का पहला लेक्चर का प्रैक्टिकल, बेटे पांचवा लेक्चर है लेकिन प्रैक्टिकल पहला क्वेश्चन करूंगा बेटे। आज जो आपको बुक मिली है बेटे, उस बुक के थ्रू करूंगा, और वो बुक मिश्रण है, मैं बता चुका हूँ, बादाम रोवन है बेटे, पास्ट ईयर एग्जामिनेशन का, केंद्रीय विद्यालय का, अलग अलग स्टेट्स का, सीबीएसई का, 11th क्लास का पेपर, तो हर स्कूल का अलग होता है, लेकिन बेटे कुछ बुक्स जो नामी ग्रामी है उनका मैंने बादाम रोगन प्रिपेयर किया, और उसके बाद मैंने अपनी नॉलेज यूज की और अपने कंसेप्ट बनाए और आपके सामने बुक लेकर आ गया। आज उसी बुक से करेंगे डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। डबल एंट्री बेटे नाम भी है, डबल एंट्री, ऑल ट्रांजेक्शंस की हम कम से कम, ये बड़ी प्यारी बात लिखी है हिंदी में, आई विल पास टू, यू नो देयर विल बी टू टाइम्स आई विल डू रिकॉर्डिंग, तो मैंने लिखा ऑल ट्रांजेक्शंस की हम कम से कम दो बार अपनी बुक्स में, अपनी बुक्स में, अपनी बुक्स में लिखेंगे। बड़ी हिंदी शुद्ध अक्षरों में लिखा बेटे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स में जो बेचारे गांव में है, देहात में है, वो इंग्लिश नहीं समझ पाते। अब मेरे CFA के लेक्चर्स अगर आप देखें, अमेरिकन एंड लंडन कोर्सेज, दैट आई हैव ओनली रिकॉर्डेड इन इंग्लिश, तो मैं यहाँ पर मिक्सचर यूज कर रहा हूँ, उसी चीज को इंग्लिश में बोलता हूँ और उसी चीज को हिंदी में बोलता हूँ। तो बेटे इफ बिजनेस दुकान में $1,000 के एसेट्स हैं या ₹1,000 हैं, देन बेटे हर चीज के दो पॉइंट्स होंगे। अगर मेरे पास पैसे हैं तो आसमान से तो आए नहीं होंगे, या तो कैपिटल से आए होंगे या लाइबिलिटी से आए होंगे, तो एक तरफ कैपिटल या लाइबिलिटीज बढ़ेगी तो एक तरफ एसेट्स बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली एसेट्स बढ़ गए, कोई मैं चोर तो हूँ नहीं, कोई मैं डाकू तो हूँ नहीं कि मैंने किसी के एसेट्स जाकर चुरा लिए। बेटे अगर मेरे पास एसेट्स आए हैं तो या तो मेरे अपने पैसों के आए होंगे या मैंने पैसे उधार लिए होंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं, मेरी बात आप समझ रहे हैं। एक मूवी आई थी घर वाली बाहर वाली, घर वाली बाहर वाली, अनिल कपूर की थी, आप जरा गूगल में जाकर देखना बेटे। घर वाली थी रवीना टंडन और बाहर वाली थी रंभा, मतलब बाहर के पैसे जो आपने उधार में लिए और जो घर के पैसे हैं बेटे, दो ही तरह, दो ही वाली हो सकती है, तीसरी कोई वाली नहीं होती। इसी तरह से पैसा जो आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, इधर इट इज कैपिटल, इट इज कमिंग थ्रू कैपिटल, और इट इज कमिंग थ्रू liabilities, कर्ज, that is, I have to pay after some time. So I have written that only. तो मैंने वही चीज लिखी है, मैंने उसी को लिखा है। आइए दूसरा example भी आपको बताया था, for getting something, you have to lose something. This is the basic logic behind double entry. Goods purchase for business. अगर मैंने goods purchase की है तो goods एक asset है क्योंकि उससे मेरा benefit मिलेगा। बेटे ऐसे तो गुड्स आ नहीं होंगे, एक तरफ अगर एसेट्स बढ़े हैं तो बेटे मेरा कैश कम हुआ होगा, अगर मैंने कैश में खरीदे और अगर उधार में खरीदे तो मेरी लायबिलिटीज बढ़ गई होंगी। तो हमेशा आप किसी भी ट्रांजैक्शन में देखेंगे देयर विल बी अ डबल इफेक्ट, सो दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज डबल एंट्री। बाकी एक्सप्लेन मुझे डबल एंट्री बहुत कुछ करना है, धीरे धीरे करूंगा, कोई टेंशन नहीं, कोई घबराना नहीं है, ठंड रखिए और चुपचाप जो मैं कह रहा हूँ उसको समझ लीजिए। बड़ी मेहनत से दोस्तों मैंने एक आपके लिए इक्वेशन आपके लिए मैंने बनाने स्टार्ट कर दिया है, और आप देखेंगे कि हैरान हो जाएंगे कि मैंने एक एक ट्रांजैक्शन की एक्सप्लेनेशन तक लिख दी। बटे शुरू के 4-5-10 क्वेश्चंस तो मैं ऐसे ही करूंगा कि आपको मैं चाहूंगा एक्सप्लेनेशन भी लिखे और उसका लॉजिक समझे, कोई चीज रटनी नहीं है, कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट समझना है। बेटे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में कर लिया, तराजू बना लिया, बस बेटे अब हो गया ना बेटे। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। मैंने आपको कहा था कि बुक आपके सामने हो, जो आपको बुक मिल चुकी है, उम्मीद है कि आप उसका प्रिंटआउट निकाल चुके होंगे, हमने आपको PDF फॉर्म में दे दी है। दूसरी बात बेटे कैलकुलेटर अभी यूज नहीं करना, रजिस्टर अपने पास रखिए, कैलकुलेटर करना ही नहीं है बेटे, छोटी मोटी कैलकुलेशन हम ऐसे ही कर लेंगे। रजिस्टर खोल लीजिए, ऊपर वाले को जिसको भी मानते हैं बेटे, पेरेंट्स को मानते हैं, एक्चुअली में तो कहते हैं भगवान और पेरेंट्स खड़े हो तो पहले पेरेंट्स को नमस्कार करना चाहिए फिर भगवान को करना चाहिए बेटे, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। और पेरेंट्स में भी बेटे माँ का स्थान उत्तम स्थान है, जिसने माँ की रिस्पेक्ट की, जिसने अपनी माँ के लिए प्यार से बात की बेटे, उसको जीवन में सब कुछ मिल जाता है। आपने वो मूवी देखी है दीवार, बेटे गूगल में जाकर चेक करें, अमिताभ बच्चन के पास दौलत, पैसा, सब कुछ होता है, और उसका दोस्त, उसका भाई होता है शशि कपूर, उसके पास माँ होती है, वो कहता है तेरे पास बेकार है सब कुछ,
मेरे पास माए तो बेटे जिसको आप मानते हैं आप मनी मन नमस्कार करें, क्योंकि हम अपनी लाइफ का पहला 11th क्लास का अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और बुक अपने सामने रखिए बेटा, बुक तो मैंने आपको दे ही दी है, आपके सामने है बेटा, चैप्टर 3 ओपन कर लेंगे। और जैसा आपको मालूम है कि बेटे हमने क्या किया है, बुक को भी बेटे कंसेप्ट में, हर चैप्टर को मैंने कंसेप्ट में डिवाइड किया है बेटे। ये भूपेश आनंद ही कर सकता है। और बेटे मैंने ये आपके लिए नहीं बेटे, CFA USA तक मैंने सभी को कंसेप्ट में डिवाइड किया। और उसके बाद मैंने उसके क्वेश्चन बनाए, उसके आंसर्स बनाए, उसके प्रैक्टिकल बनाए, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप बनाए, उसके मैच द फॉलोइंग बनाए, उसके फिलिंग द ब्लैंक बनाए, उसके ट्रू एंड फॉल्स बनाए, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाए, उसकी केस स्टडीज बनाई, उसका प्रोजेक्ट वर्क बनाया। बेटे मेरी जितनी भी बातें चलेंगी कंसेप्ट के थ्रू चलेंगी। तो मैंने आपके इस चैप्टर नंबर 3 जो NCERT पार्ट 1 में दिया हुआ है, चैप्टर 3 है बेटे, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। मैंने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। पार्ट 1 जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है, मैं उसको 7 कॉन्सेप्ट्स में मैंने डिवाइड किया बेटे। मैंने 7 कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड किया है। भले मैंने अभी आपको सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग नहीं बताया, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अक्रूवल कैश नहीं बताया, ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट अकाउंटिंग प्रोसेस नहीं बताया, अभी नहीं बताया बेटे। अभी बिल्कुल आप देखिए मेरी बात सुनिए, आप ज्यादा टेंशन मत लें, मैं सब कराऊंगा। कह दिया ना आपको, जो वादा किया निभाना पड़ेगा बेटे। मैं अभी कंसेप्ट नंबर 5 में हूं बस, मुझे तो और कुछ दिख ही नहीं रहा। गुरु द्रोणाचार्य जब अर्जुन से पूछते थे कि अर्जुन तुझे क्या दिखता है इस पेड़ के ऊपर, तो आपको पता है महाभारत में अर्जुन कहता था, गुरुदेव मुझे तो बस चिड़िया की आंख ही दिखती है और कुछ नहीं दिख रहा। तो बेटे मेरे को अकाउंटिंग इक्वेशन ही दिख रही है कंसेप्ट नंबर 5 की, और कुछ नहीं दिख रहा। इसमें मैंने थ्योरी लिखी है, प्रैक्टिकल लिखे हैं। मैं थ्योरी के क्वेश्चन अभी स्किप कर रहा हूँ, पहले मैं आपको प्रैक्टिकल कराना चाहता हूँ। और आज बेटे मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल 1 पहला क्वेश्चन आज आपके सामने पेश करूंगा, और उस क्वेश्चन के थ्रू हम अकाउंटिंग इक्वेशन को समझेंगे। आइए मेहरबान कदरदान, आइए बेटे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। पहले 4 कॉन्सेप्ट्स में कोई प्रैक्टिकल बनता नहीं, इसलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन की कैटेगरी मैंने अलग प्रिपेयर की है। आइए खोल लीजिए ना बेटे, बुक ओपन कीजिए, कमर सीधी बेटे ढीले होकर नहीं बैठे। बेटे मानिए कि मैं आपके सामने ही हूं और मैं आपको देख रहा हूं, जब आप ढीले होते हैं तो मेरे को अंदर से पता नहीं क्या कुछ पॉपअप होता है कि भाई इनको कह कि सीधा होकर बैठे, कमर सीधी करके बैठे। बेटे यही आपका ध्यान, आपकी एनर्जी प्रॉपर फ्लो होगी बेटे जब हमारी कमर सीधी होती है ना बेटे। तो आप प्लीज क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाइए। आइए ना कंसेप्ट नंबर 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अकाउंटिंग इक्वेशन टाइप 1। मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। अभी हम कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। और बेटे मैं आज के लेक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, मेक द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। बेटे आपने इस बुक को, इस प्रिंट आउट को अपने सामने रखना है, रजिस्टर इस तरफ रखना है। मैं जो पढ़ा रहा हूं पहले ध्यान से पढ़ेंगे बेटे। इस क्वेश्चन की 7 ट्रांजैक्शंस हैं बेटे, 7 विंडोज ऑफ द वर्ल्ड है बेटे। मैं इन 7 ट्रांजेक्शन को करूंगा, और वो कहता है मेक द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। वो कहता है इन सभी ट्रांजेक्शन की आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाए। और ये एक बिजनेस की 7 ट्रांजेक्शन है। इस बिजनेस में सबसे पहले पैसे आए कहां से बेटे, बिना पैसे के तो काम ही नहीं चल सकता। तो सबसे पहले तो ओनर को या तो उधार में या अपनी पूंजी लगानी पड़ेगी, और जब वो कैश आएगा तो खाली कैश रखने से भी काम नहीं चलेगा बेटे, उसके एसेट्स लेने पड़ते हैं। हम धंधा करने आए हैं ना, खाली कैश रखने से कुछ नहीं होने वाला। तो बेटे पहले कैश आएगा, फिर उस कैश से हम गुड्स खरीदेंगे, फिर हम उसके बाद घर बनाएंगे। जैसे हम कहते हैं एक सुंदर सा होगा घर, उसमें हम जीवन बिताएंगे। तो बेटे पहले धंधा करेंगे, पहले पैसा लेकर आएंगे, उस पैसे से गुड्स लेंगे, उस गुड्स को बेचेंगे तो मुनाफे में बेचेंगे। बेटे हम कुछ एम्प्लॉयज रखेंगे, उनको सैलरी पे करेंगे, अगर दुकान किराए में है तो रेंट पे करेंगे। बेटे काउंटर होना चाहिए, एक फर्नीचर ले लेंगे,
ये सारी बातें जो नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी में आती हैं, हम उन्हीं को करने वाले हैं। और हर ट्रांजैक्शन के बाद हम उस इक्वेशन को मैच करेंगे, हम ये देखेंगे कहीं वो मिसमैच तो नहीं हो रही। जैसे बेटे पहली ट्रांजैक्शन, बेटे अब मुझे रोकना नहीं, बेटे 7 ट्रांजैक्शन तक मैं आपको करके दिखाऊंगा और हर क्वेश्चन के नीचे मैंने आंसर भी लिखा है। आइए मेहरबान मेहरबान कदरदान आइए। पहली बात, रामू स्टार्टेड बिजनेस, रामू ने अपना धंधा शुरू किया विद कैश ₹30,30,000। रामू एक ओनर है, रामू मालिक है, रामू लालाजी है। रामू ने अपना बिजनेस शुरू किया और अपनी जेब से ₹30,000 का कैश एज अ कैपिटल डाला। बेटे एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आपको पता ही है कि बेटा रामू को हम अलग मानेंगे, बिजनेस को अलग मानेंगे, दुकान को अलग मानेंगे, ओनर को अलग मानेंगे। तो रामू ने अपनी जेब से कैपिटल दी, किसको? बिजनेस को। इसका मतलब रामू के जेब में जो पैसे थे वो चले गए किसके पास? बिजनेस के पास। तो बेटा रामू ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की और बिजनेस के पास कैश आ गया। बेटे एज पर बिजनेस एंटिटी अजम्पशन एंड एज पर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, मैंने कहा दो जगह जरूर इफेक्ट आएगा कम से कम। तो आप बताइए, सोचिए, अभी करेंगे, अभी सब करेंगे, आप अभी मेरे साथ रहे, चर्चा करेंगे बेटे, डिस्कशन कर रहे हैं ना पहले, जिससे कि आपको लॉजिक्स आपको कंसेप्ट समझ आए। बेटा रटना कुछ नहीं है, आंसर तो मैं निकाल ही दूंगा, आंसर तो दे ही दूंगा, नेट आंसर तो दे ही दिया। समझ तो लो बेटे, मेरे साथ समझ तो लो बेटे। पहला क्वेश्चन है बेटे पहला तो बेटे रामू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹30,000। रामू ने अपना बिजनेस शुरू किया और कैश दिया ₹30,000। बेटे कहां कहां पे इफेक्ट आएगा जरा माइंड में सोचो मुझे क्या हुआ है। एक तो बेटे रामू, मैं रामू और वो बिजनेस है, मैंने ₹30,000 दिए, तो बेटे यहां पर कैश आ गया, यहां पे एसेट्स बढ़ गए, क्योंकि बेटे कैश इज एसेट, कैश इज द बेनिफिट, इट इज अ बेनिफिट विच यू कैन गेट, यू नो 30,000 कैश इज बेनिफिट, और मैंने एज अ कैपिटल दिया, सो एज अ बिजनेस एंटिटी अजम्पशन मैं कौन हूं? मैं रामू हूं, मैं कैपिटल दे रहा हूं बेटे, मैं कैपिटल दे रहा हूं, मैं HDFC बैंक नहीं हूं, मैं बेटे उधार नहीं दे रहा, मेरा बिजनेस है, मैंने अपनी पूंजी लगाई है। तो बेटे एक तो कैपिटल बढ़ जाएगी और एक क्या बढ़ेगी एसेट्स बढ़ेंगे। एसेट्स में अलग अलग प्रकार के एसेट्स होते हैं, मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन आप बताइए कैश एक एसेट है या नहीं? तो बेटे कैश इज एन एसेट, तो मैं दो चीजों को बढ़ाऊंगा, अभी देखेंगे बेटे। पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बेटे, पहले क्वेश्चन, परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000। बेटे इस बिजनेस के पास ₹30,000 आ रहे हैं और खाली कैश तो धंधा कर ही नहीं सकता बेटे, उसको अलग अलग तरह की चीजें खरीदनी पड़ेंगी। तो बिजनेस ने, दुकान ने गुड्स खरीदी बेटे, गुड्स आप अच्छी खरीदोगे, वैल्यूबली खरीदोगे। आप बताओ जब आप किसी मार्केट में जाते हो तो क्या बेकार सी शर्ट लेते हो या अच्छी शर्ट लेते हो? इसी तरह से कोई बिजनेस अगर बाजार से कोई गुड्स खरीद रहा है तो बेटे वो वैल्यूएबल गुड्स ही होंगी जिसका उसको फ्यूचर में बेनिफिट मिल सकता होगा। ये बुद्धू, कोई भी बुद्धू तो होता नहीं बेटे। तो बेटे मैं ये मान रहा हूं कि खाली कैश से भी मेरा धंधा नहीं चल सकता, मुझे अलग अलग तरह के एसेट्स रखने पड़ेंगे। जैसे आप किसी बनिए की दुकान पे जाए तो खाली आटे से काम नहीं चलेगा, उसको आटा रखना है, बेसन रखना है, सूजी रखनी है, चीनी रखनी है, चाय पत्ती रखनी है, दाल रखनी है, ये रखना है, फरनैल रखना है, झाड़ू रखना है, वाइपर रखना है बेटे, तभी तो काम चलेगा। तो गुड्स खरीदे किसने? बिजनेस ने। कितने के? ₹5,000। अब बेटे आप बताओ गुड्स खरीदे तो इससे बेनिफिट तो मिलेगा, कल आप ज्यादा में बेच सकते हो। गुड्स खरीदे ₹5,000 के, और बेटे गुड्स को चोरी थोड़ी की है, कोई हम चोर थोड़ी है, कोई हम डाकू थोड़ी है, कोई आसमान से थोड़ी गिर गए गुड्स। बेटे उसके लिए हमने कुछ दिया होगा। फॉर गेटिंग समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग, आपने कैश दिया होगा, लिखा भी हुआ बेटे, अच्छा नहीं भी लिखा हुआ तो मैं अभी मान रहा हूं कि मैंने कैश में ही खरीदी,
बेटे 5,000 रुपए की कैश में खरीदी, तो मेरी जेब से कैश चला गया, मेरे पास गुड्स आ गई, कैश चला गया, गुड्स आ गई, कैश चला गया। अब बेटे ये जो गुड्स है इससे मुझे बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, तो बेटे ये एसेट्स है, तो एसेट्स में अलग से कॉलम प्रिपेयर करेंगे गुड्स का, अभी देखेंगे। गुड्स बढ़ गए, कॉलम वॉलम भी छोड़ो, और कैश कम हो गया। तो बेटे कोई भी ट्रांजेक्शन को जब मैं पढ़ूंगा तो पहले दिमाग में सोचूंगा कि मैंने क्या किया, पैसे कहाँ गए, मैंने क्या खरीदा, क्या बेचा, क्या खर्चा किया, कहाँ पे इफेक्ट आएगा। आप ये बताइए, पहली दो ट्रांजेक्शन जो मैंने बताई थोड़ी सी समझ आई? आइए इसके साथ साथ हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करते जाएं जिससे कि ज्यादा समझ आए। बेटे आपको पहला क्वेश्चन है, पहला पहला प्यार, तो बेटे पहला पहला चैप्टर आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, भूला है नहीं भूलता। तो आप ईमानदारी से रजिस्टर ओपन करें, क्वेश्चन नंबर 1 लिखें, बिल्कुल रामू की ऐसी फोटो बना दें, बिल्कुल अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि आज के कुछ महीनों के बाद भी जब आप देखेंगे तो आपको ये याद आ जाएगा, क्योंकि हमारी मेमोरी फोटोसिंथेटिक होती है बेटे, फोटो को जल्दी समझती है, कलर्स को जल्दी समझती है। तो मैंने बनाया रामू, रामू रामू, ये रामू का दुकान है बेटे। रामू ने ट्रांजेक्शन 1 की, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे इंडिया में अगर आप कोई भी लेक्चर देख लें बेटे, जो मैंने अभी लेक्चर की एक्सप्लेनेशन दी है और उसको जो लिखा है और जो मैंने समझाया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ऐसा और कोई नहीं कर पा रहा उस तरह से जिस तरह से मैं कर पा रहा हूं, मुझे यहां तक मेरी नॉलेज है। फिर भी अभी लेक्चर कंप्लीट हो जाने दीजिए, आप खुद चेक कर लीजिएगा। ट्रांजेक्शन 1 बेटे, पहली ट्रांजेक्शन, आप बुक सामने रखिए, मैं बुक दिखा चुका हूं, मैं वहीं से पढ़ रहा हूं। रामू हैज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹30,000, एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया। और कसम होगी अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन ना लिखी, बेटे पहले एक दो क्वेश्चनों में एक्सप्लेनेशन लिखो, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे पढ़ो। इसका मतलब बिजनेस में 30,000 रुपीज का कैश आ गया। बेटे पहली ट्रांजेक्शन का मतलब समझा रहा हूं, बेटे प्यार है ना मुझे आपसे, क्या करूं, सारी बातें समझाऊंगा, सारी बातें। बेटे इसका मतलब कैश बिजनेस में आ गया, ठीक है, आ गया। बिजनेस को चलाने के लिए कैश की रिक्वायरमेंट होती है, लिखिए लिखिए बेटे, पहले क्वेश्चन में तो लिख डालिए जैसे जैसे मैं कह रहा हूं। बेटे धंधों को, बिजनेस को आप बताइए, आप मेट्रो में कहीं एक अपने घर दोस्त के घर ही नहीं जाते तो आपको पैसों की जरूरत पड़ती है ना। तो बेटे बिजनेस चला रही इतना बड़ा बड़ा रिलायंस इंडस्ट्रीज, बेटे आप ये बताइए रिलायंस जियो, बेटे बेटे आप ये बताओ नेरोलैक पेंट्स, आप ये बताओ पतंजलि, क्या इनको कैश की जरूरत नहीं पड़ती होगी? बेटे धंधा बिना कैश के चल ही नहीं पड़ सकता, ये तो छोटी सी दुकान है। तो मैंने कहा बिजनेस स्टार्टेड वर्थ ₹30,000 का मतलब है आपने बिजनेस में ₹30,000 डाले और उसके बिना हम काम चला ही नहीं सकते, इसलिए इसलिए बेटे ये मैंने फर्स्ट मीनिंग बताया। अब इससे हुआ क्या, पैसे आए, कैश आया, तो कैश इज एन एसेट बेटे, कैश एसेट है एज पर बिजनेस एंटिटी अजम्पशन। नाउ 30,000 हैज बीन गिवन बाय रामू, सो रामू इज द ओनर एंड ही इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग एज कैपिटल। सो एज पर बिजनेस एंटिटी अजम्पशन रामू इज अ सेपरेट पर्सन एंड द बिजनेस इज अ सेपरेट पर्सन, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन लेक्चर नंबर 2 और 3, सो प्लीज राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन। Ramu is the owner of the business. It will be capital of the business because Ramu is contributing, क्योंकि Ramu पैसे दे रहा है। So in accounting equation, बेटे मैं भी equation बना के दिखाऊंगा। एक बच्चों को नींद आ रही थी, वो है कौन सी equation? बेटे वही वाली capital plus liabilities is equal to asset वाली। बेटे थप्पड़ मारूंगा, बिल्कुल नींद नहीं आनी चाहिए, पानी पी लो साथ साथ, पानी की बोतल लगाओ, नींद आ रही है। कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। देखो बेटे मैंने क्या लिखा, लिख दो बेटे, बड़ी मेहनत करके स्लाइड्स बनाई है, बड़ी मेहनत करके लिखा है कि आपको समझ आए, लिखो बेटे, समझदारी मत दिखाओ, पहले 2-3 क्वेश्चन तो जरूर लिख लो जो जो मैं कह रहा हूँ। सो इन अकाउंटिंग इक्वेशन हम 30,000 रुपीज कैपिटल में लिखेंगे, अभी लिखवा के दिखाता हूँ, और ₹30,000 कैश एसेट फॉर बिजनेस में लिखेंगे। एक बच्चा कहता है सर ये पेपर में भी ऐसे लिख के आना है, बेटे मैं कह रहा हूँ अभी पहला क्वेश्चन है ना, जैसे जैसे मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ लिख लो, पेपर में क्या करना सब बता दूंगा यार, आप पहले मेरी बात को सुनो, ये करना है वो करना है, फालतू बातें करते हो बेटे, लिखो।
सपोज एनी अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड, मान लेते हैं रामू ने 40,000 कॉन्ट्रीब्यूट किया तो रामू की 40,000 की कैपिटल बन जाएगी, रामू ने 1,00,000 कॉन्ट्रीब्यूट किया तो रामू की 1,00,000 कैपिटल बन जाएगी और बिजनेस में 1,00,000 रुपए आ जाएंगे तो बेटे पहली ट्रांजेक्शन की मैं अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहा हूँ और बेटे फॉर्मेट ऐसे ही बनाना जैसे मैंने बनाया। पहला कॉलम है ट्रांजेक्शन का, दूसरा कॉलम है कैपिटल का, तीसरा कॉलम है लाइबिलिटीज का और बेटे लास्ट कॉलम है एसेट्स का। और हमें पता ही है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, मेरे अपने पैसे, मेरे बाहर के पैसे, घर वाली, बाहर वाली इज इक्वल टू टोटल वाली, टोटल एसेट्स। एसेट्स आर द यूजर्स, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज आर द सोर्सेस। पैसे आए, पैसे गए। तो बेटे सबसे पहला ट्रांजेक्शन में मैं लिख रहा हूं स्टार्टेड बिजनेस। बेटा लिखना शुरू कर दो, बिल्कुल चलाकी नहीं करनी, समझदारी नहीं करनी, साथ साथ करना है। स्टार्टेड बिजनेस, बेटे बेटे अकाउंट्स में ना ग्रामर की का कोई रोल नहीं है, इस बात को समझ ले। तो हमें कोई सेंटेंस फ्रेम नहीं करने, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस का ध्यान रखें नहीं बेटे, खाली मतलब कि 2-3 अक्षर एक लाइन लिखनी जिससे उस बात का मतलब समझ आ जाए, सारांश समझ आ जाए, समरी समझ आ जाए। तो पहला था स्टार्टेड बिजनेस, रामू ने स्टार्ट किया बिजनेस। तो बेटे मैंने इक्वेशन में कहां पुट किया, एक तो बेटे कैपिटल बढ़ गई उसकी 30,000 रुपए की, और लाइबिलिटीज नहीं बढ़ी क्योंकि मैंने उधार थोड़ी लिया, और बेटे वो अभी कैश में ही रखा हुआ है और कैश एसेट है, तो मैंने एसेट में लिखा कैश 30,000 और इसकी इक्वेशन बनाई 30,000 0 30,000। बेटे आ जाओ दूसरी ट्रांजेक्शन में, ट्रांजेक्शन नंबर 2। बेटे क्वेश्चन अपने सामने रखा, मैंने वहीं से देखा और यहां लिख दिया कि मुझे बार बार वहां ना जाना पड़े, वहीं से देखा और यहां लिख दिया। आप अपने सामने बुक रखेंगे और रजिस्टर रखेंगे, बेटे परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000। बेटे रामू ने खरीदी या बिजनेस से खरीदी, बेटे बिजनेस से परचेज किया है, बेटे बिजनेस एक सेपरेट पर्सन है, बेटे बिजनेस एंटिटी असम्पशन है। उसने गुड्स खरीदी कितने रुपए की, 5,000 रुपए। बेटे खाली पैसे रखने से धंधा थोड़ी चलेगा, तो मैंने एक्सप्लेनेशन क्या लिखी बेटा, ये 1 करोड़ रुपए की एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूं। आपने इसको लिखना है 1-2 क्वेश्चंस तक, फिर भले मत लिखना दोस्तों, देखो कितने प्यार से लिखा है दोस्तों। फ्रेंड्स, इफ यू कीप कैश इन द बिजनेस देन नॉट एबल टू डू एनीथिंग, बेटे कुछ कर थोड़ी पाएंगे। आप ये बताइए, हमें तो पैसे मल्टीप्लाई करने हैं, हमें तो मुनाफा करना है, हमें तो प्रॉफिट अर्न करना है, हमें तो आटा 5 रुपए किलो लाए तो 8 रुपए किलो बेचना है, खाली कैश ही रखा, आटा खरीदा ही नहीं तो बेचूंगा क्या खाक। तो मैंने ये बात आपको समझाने के लिए लिखी है कि भाई हम इस दुनिया में अगर धंधा करने आए हैं तो खाली कैश से धंधा नहीं होगा, कैश को चेंज करना पड़ेगा, टोपियां घुमानी पड़ेगी। सो वी हैव टू बाय डिफरेंट डिफरेंट किस्म किस्म की चीजों को खरीदना पड़ेगा, हमें अलग 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 चीजों को खरीदना पड़ेगा बेटे, तभी काम चल सकता है, नहीं तो नहीं चलेगा। कि चीजें थिंग्स वस्तुएं खरीदनी पड़ती हैं, हमें फर्नीचर खरीदना पड़ेगा, हमें बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी, हमें गुड्स खरीदनी पड़ेंगी, हमें ये भी लेना पड़ेगा, तब तो मैं अपना धंधा चलाऊंगा। तो मैंने सबसे पहले ट्रांजेक्शन नंबर 2 में गुड्स खरीदी, कितने रुपए की, 5,000 रुपए। अब आप ये बताइए गुड्स वैल्यूबली खरीदी होंगी, उसका बेनिफिट मुझे भविष्य में मिलेगा, मैं 5,000 की चीज 8,000 में बेच सकता हूं, इसका मतलब गुड्स एसेट है, इसका मतलब मैं अकाउंटिंग इक्वेशन में कैश के साथ अब एसेट साइड में एक नया कॉलम और बनाऊंगा जिसका नाम है गुड्स। अब मैंने जब गुड्स खरीदी तो आसमान से तो टपकी नहीं, मैंने पैसे दिए होंगे तो बेटा मेरा कैश चला गया, कैश गया गुड्स आई, डबल एंट्री, कैश गया गुड्स आई, कैश गया कैश तू जा गुड्स तू आ जा गुड्स तू आ जा। तो बेटे बेटे डबल एंट्री चांस की बात है, दोनों एसेट साइड में, मैंने कहा कहीं भी हो सकता है लेकिन इफेक्ट 2 होंगे। आइए आइए देखिए मैंने क्या लिखा है, नाउ द गुड्स व्हिच वी आर परचेजिंग मस्ट बी ऑफ द वैल्यूएबल फॉर द बिजनेस दैट इज वी विल गेट द बेनिफिट। बेटे वो कबाड़ थोड़ी खरीद के आऊंगा मैं, 5,000 रुपए की गुड्स है, वैल्यूएबल होंगी तभी तो खरीदूंगा, तो मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो गुड्स जो मैंने खरीदी वो मेरे लिए एसेट है, मैंने उसके लिए कैश दिया होगा, पे किया होगा, चोरी नहीं की होगी, तो मेरा कैश 5,000 रुपए से कम हो जाएगा।
भाई आप सामान लेने जाते हो, मिठाई खरीदने गए, मिठाई लाए, कैश दिया, तो आपकी जेब में जितने पहले पैसे थे उतने थोड़ी है, कम हो गए। मिठाई आई, कैश कम हो गया। तो बेटा यहां पर गुड्स आई, कैश कम हो गया। बिकॉज बिकॉज कोई हमें फ्री में कुछ नहीं देने वाला बेटे, हमें कोई फ्री में कुछ नहीं देगा। तो देखो अकाउंटिंग इक्वेशन का दोबारा से मैंने फॉर्मेट प्रिपेयर किया आपके लिए, जबकि आप तो एक ही बार फॉर्मूला बना सकते हो, उसी में लिख सकते हो ट्रांजेक्शन वन, ट्रांजेक्शन टू, ट्रांजेक्शन थ्री। लेकिन मुझे तो आपसे प्यार है, इसलिए मैंने हर एक ट्रांजेक्शन में समझाने के लिए फॉर एक्सप्लेनिंग यू बेटर सो दैट यू शुड बी मोर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स, आई हैव प्रिपेयर्ड अ सेपरेट अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्मेट, बट इन एग्जामिनेशन आई विल बी टेलिंग यू पेपर में करना क्या है, टेंशन मत लो, सब बताऊंगा। आप पहले आ जाओ, लिखो ट्रांजेक्शन वन स्टार्टेड बिजनेस 30,000 कैपिटल लाइबिलिटी जीरो कैश 30,000 एसेट्स में आ गया कैश। अब मैंने एक कॉलम और बना दिया बुक्स का, अगर आप ध्यान से देख रहे हो बेटे बनाना है साथ साथ, मैं फिर कह रहा हूँ आपको चलाती मत करना, बिल्कुल साथ साथ प्रिपेयर करना। परचेज बुक्स ट्रांजेक्शन टू में कैपिटल जीरो कैश, बेटा कैपिटल इस ट्रांजेक्शन से थोड़ी मेरा कोई इफेक्ट हुआ तो मैंने कैपिटल में जीरो कर दिया, लायबिलिटीज पहले भी नहीं थी अभी भी नहीं है, ठीक है जी। फिर मैंने कैश मेरा कम हो गया 5,000 रुपए से और मेरी गुड्स बढ़ गई, तो मैंने कैश से 5,000 कम कर दिए और गुड्स 5,000 बढ़ा दिए, और फिर मैंने एक टोटल की लाइन डाली और फिर देखा कि क्या मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन बन रही है। 30,000 प्लस जीरो इज इक्वल टू 30,000, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, 30,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 25,000, जीरो प्लस 5,000 इक्वल टू 5,000, सो दिस इज 30, दिस इज 30, इट मींस मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर रही है। आइए आइए कुछ बातों को मैंने लिखा है बेटे, लिख लोगे तो फायदे में लोगे, शायद आप ट्यूशन में जा रहे हो वहां पे वो नहीं बता रहे, शायद आपको आपके क्लास में भी नहीं बता रहे, आप प्लीज लिखें। नाउ इन बिजनेस कैश अवेलेबल इज 25,000, बेटे देख लो पहले 30,000 का कैश था, अब 5 लेस हो गए, अब 25 रह गया, इसका मतलब मेरे पास अपने पैसे बिजनेस के पास अब खाली 25,000 रुपए रह गए, 25,000 से ही वो कुछ और खरीदना चाहे खरीद सकती है, मतलब अप टू 25,000 की गुड्स ही मिलेंगे उससे ज्यादा नहीं। तो देखिए जी, नाउ इन बिजनेस कैश अवेलेबल इज 25,000, सो इफ एनीथिंग इज टू बी परचेज्ड इन फ्यूचर वी कैन यूटिलाइज रुपीज 25,000, हम खाली 25,000 रुपए ही यूटिलाइज कर सकते हैं, 30 थे 25 रह गए, ओके सर। कैपिटल इज रुपीज 30,000 सेम, ठीक है जी, वो हमने बता ही दिया। आइए जी आइए, सपोज गुड्स बहुत ठीक है, हमें आया सीधा ट्रांजेक्शन नंबर 3 में, बेटे मेहनत की है, बेटे एक्सप्लेनेशन लिखी है, बेटे बुक बनाई है, बेटे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं कि आपको समझ आए, और आप मेरे समझदार बच्चे हैं, आप लिख रहे हैं ट्रांजेक्शन 3 परचेज ऑफ फर्नीचर, बेटे टेबल खरीद लिया, बेटे बेटे काउंटर बनाएंगे ना, सेल करेंगे ना, कुछ काउंटर होगा ना, कुछ गल्ला होगा ना, तो बेटे टेबल फर्नीचर खरीदा, बेटे फ्री में तो आएगा नहीं बेटे 3,500 रुपए का, और फर्नीचर क्या है बेटे, टेबल कुर्सी चेयर, क्या इससे बेनिफिट मिलेगा, हाँ मिलेगा, क्या फ्यूचर में मिलेगा, हाँ मिलेगा, तो जो से भी बेनिफिट मिलता है उसको एसेट कहते हैं, क्या कोई फ्री में देगा, नहीं, क्या आप चोरी करके लाओगे, नहीं, क्या आप कैश में दोगे, हाँ हम मान रहे हैं कि हम कैश दे रहे हैं और 3,500 का फर्नीचर ले रहे हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है, परचेज ऑफ फर्नीचर एट द रेट ऑफ 3,500, कोई भी वस्तु, अब देखिए आप प्लीज लिखें इसको, वस्तु थिंग परचेज विच विल गिव यू फ्यूचर बेनिफिट, कोई भी ऐसा एसेट, कोई ऐसी थिंग, कोई ऐसी वस्तु जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिल सकता है, आई विल से दैट इज एन एसेट, सो वी विल प्रिपेयर। अब बेटे एक एसेट और आ गया तो हमें फर्नीचर का कॉलम अलग बनाना पड़ेगा, सो वी विल प्रिपेयर अ सेपरेट कॉलम फॉर फर्नीचर, क्या हम चोर हैं, क्या हम डाकू हैं कि फर्नीचर चोरी कर लेंगे, देखो लिखा है, ये लिखना है तभी आपके माइंड का क्लैरिटी लॉजिक्स क्लियर होंगे, क्योंकि जब तक ये क्वेश्चन सोचोगे नहीं, जब तक ये चीजें रिलेट नहीं करोगे, आपको कंसेप्ट समझ नहीं आएगा, तो आप लिखे पहला क्वेश्चन है ना, लिख लो, या वी विल पे कैश, बेटे वी विल पे कैश, हाउ मच कैश,
we have to pay 3500 rupees because we have purchased furniture worth rupees 3500 rupees. So we have to pay cash 3500 rupees. So every transaction will have double entry. मैंने यहाँ पे याद कराने की बात की. Furniture आया, cash गया. Furniture आया, cash गया. तो बेटे double entry, double entry, double entry. आयो मेरे बेटे. Please tell me. अभी मैंने कुछ questions लिखे हैं आपके लिए जो मुझे लगा कि आपके mind में आने चाहिए. अब आपके माइंड में क्योंकि आप मेरे से दूर हैं, तो मैंने आपका माइंड पढ़ा और उन क्वेश्चंस को लिखा कि ये क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए तो ज्यादा क्लैरिटी होगी. नोट लिख लो बेटा, लिख लो. पहला क्वेश्चन है, प्लीज टेल मी. मैंने कहा प्लीज मुझे बताओ वेदर देर विल बी एनी चेंज इन द गुड्स कॉलम. मैंने कहा यह बताओ कि क्या गुड्स के कॉलम में कोई चेंज होगा, क्या गुड्स के कॉलम में कोई चेंज होगा. बेटे गुड्स में तो कुछ नहीं चेंज होगा बेटे, गुड्स पहले भी 5000 की थी, इस ट्रांजैक्शन के बाद भी 5000 की रहेंगी. बेटा फर्नीचर लिया हमने तो फर्नीचर का एक कॉलम बनाया और कैश कम होगा, गुड्स में कोई फर्क पंगा नहीं है बेटा. फिर दूसरा क्वेश्चन अपने आप से करो, वेदर देर विल बी एनी चेंज इन कैपिटल. बेटे क्या कोई और पैसे इंट्रोड्यूस किए रामू ने या कुछ विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए? नहीं. तो बेटे कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं हुआ. वेदर देर विल बी एनी चेंज इन कैश, यस देर विल बी अ चेंज इन कैश. वेदर देर विल बी अ चेंज इन गुड्स, यस नो नो देर विल बी नो चेंज इन गुड्स, गुड्स लिख चुका. वेदर वेदर अ सेपरेट कॉलम फॉर फर्नीचर विल बी प्रिपेयर्ड, यस आई हैव टू प्रिपेयर अ सेपरेट कॉलम फॉर द फर्नीचर, सो आई हैव प्रिपेयर्ड इट, सो प्लीज प्रिपेयर इट. You also prepare it. बेटा आप तो एक ही क्वेश्चन में कर रहे हो, आप मेरा सोचो. हर ट्रांजेक्शन के लिए पहले मैंने लाइनें खींची और आपको हर ट्रांजेक्शन के लिए पहले रिपीट लिखता गया. आपको समझ आए यह है प्यार, और एक आपका प्यार है कि आप झुक के बैठे हो और आप लिख नहीं रहे, लेट के पढ़ रहे हो. धिक्कार है ऐसे प्यार को बेटे. लिखो ट्रांजेक्शन बेटे, तीन ट्रांजेक्शन हो चुकी. पहली ट्रांजेक्शन आपको समझ आ चुकी है, दूसरी आ चुकी है, मैं सीधा तीसरी में आ रहा हूँ. बेटे मैंने तीसरी ट्रांजैक्शन में फर्नीचर खरीदा, बेटे कैश दिया और फर्नीचर लिया, कैपिटल में कोई चेंज नहीं, लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं. बेटे पैसे दिए, कैश दिया, कैश दिया, कैश दिया. बेटे 3500 मेरे कम हो गए. और बेटे फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा, तो एक कॉलम मैंने और बनाया फर्नीचर का, फर्नीचर का, और मेरे पास एक एसिड और आ गया. बेटा तीन एसिड हो गए, कैश, गुड्स और फर्नीचर. बेटे कैश, गुड्स और फर्नीचर, आप बताइए अब कैश कितना रह गया मेरे पास? 21,500 रुपए. बेटे मैंने स्टार्ट कैसे किया था? 30,000 रुपीज से. पहले मैंने गुड्स खरीदी, अब मैंने फर्नीचर खरीदा, तो कैश कम हो गया, एसेट बढ़ गए. आप देखिए, आप देखिए, गुड्स, गुड्स. बेटे मैंने शायद कुछ यहाँ पे गलती लिख दी, गुड्स. बेटे 5000 की गुड्स आएंगी. अच्छा 5000 की आएंगी मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे बच्चे 5000 की आएंगी. मैंने गलत कर दिया बेटे, मैंने गलती से नहीं लिखा. 5000 की गुड्स आएंगी तो पहले से आ रही है. 3500 का फर्नीचर, 21,500 का कैश. आप चेक कर लीजिए, 30,000 बन रहा है और यहाँ भी 30,000 है बेटे, मैच कर रहा है बेटे, मैच कर रहा है. कई बार आप किसी यंग कपल को देखते हैं और आपको लगता है बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, मतलब दोनों मैच कर रहे हैं. लड़का भी सुंदर है, लड़की भी सुंदर है, लड़के की भी हाइट अच्छी है, लड़की की भी हाइट अच्छी है, लड़का भी प्रोफेशनल है, लड़की भी प्रोफेशनल है, तो हम आप कहते हैं मैच कर रहे हैं. तो बेटे यहाँ पे भी तो अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर रही है. आइए जी, आइए, अब हमारे पास तीन एसेट्स आ चुके हैं और मैं आ गया जी ट्रांजेक्शन नंबर 4 की तरफ. बेटे बड़ी प्यारी ट्रांजेक्शन है, आप बुक में देखें, मैंने वहां लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश. मैंने गुड्स बेची, कस्टमर को तो बेचेंगे, कितने में बेची? 1800 में. कितने की थी? कितने की थी? 1500 में. कितने में बेची? 1800 में. बेटे क्या लगता है वहां पर क्या सेवा के लिए बैठे हैं? आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो क्या वेदर माई ऑब्जेक्टिव इज नॉन प्रॉफिटेबल और प्रॉफिटेबल? इट इज बट नेचुरल दैट आई वॉन्ट टू अर्न समथिंग, I want to earn profit, so I will be selling at a higher price as compared to the cost price. My cost price is 1500 और 1800 मेरी selling price है. ये रामू को पता है, बेटा रामू owner है,
रामू को असलियत पता है, लेकिन रामू कस्टमर को बताएगा क्या कि भाई जो मैंने गुड्स 1500 की खरीदी है तेरे को 1800 की बेच रहा हूँ? नहीं नहीं बेटे, कस्टमर को कुछ नहीं बताएगा, ये तो सीक्रेट है, ये तो कोड वर्ड्स में लिखा जाएगा। बेटे 1500 का सामान था 1800 में बेचा, इसका मतलब 300 रुपए का फायदा हुआ, 300 का प्रॉफिट हुआ, 300 का मुनाफा हुआ, 300 की आमदनी हुई। अब बेटे बिजनेस को जो आमदनी होगी वो किसकी है, एक्चुअली में किसकी है, एट द एंड ऑफ द ईयर किसके पास जाएगी? बेटे रामू के पास, ओनर के पास। तो बेटे आराम से देखो गुड्स कितने की गई। बेटे गुड्स 1500 की गई, ये आपको पता है क्योंकि आप उस दुकान के ओनर हो, लेकिन आपने कस्टमर से कितने पैसे लिए? 1800। अगर आप आज से पहले की 3 ट्रांजैक्शंस देखो, गुड्स परचेज की, फर्नीचर परचेज की, तो आप देखो ध्यान से, तो मैं आपको एक बार आपको दिखेगी, यहां देखिए, यहां देखिए, आपको एक बार दिखेगी, क्या दिखेगी सर बताइए, बता रहा हूं। ये देखो यहाँ 5000 लेस किए तो यहाँ भी 5000 ऐड किए, ठीक है जी। आप देखिए 3500 लेस किए, 3500 ऐड किए, मैच हो रहा है। अब दिक्कत आ रही है बेटा थर्ड ट्रांजेक्शन में, अब थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या दिक्कत आ रही है बेटा? थर्ड में क्या आ रही है, आपकी गुड्स कम होंगी 1500 से, लेकिन कस्टमर आपको देगा 1800, इसका मतलब कैश 1800 से बढ़ेगा। कस्टमर को थोड़ी बताओगे कि आपके 1500 की गुड्स हैं और गुड्स 1500 रुपए की कम होंगी, आप समझ रहे मिसमैच आ गया 300 रुपए का, क्योंकि प्रॉफिट हुआ। बेटे वो प्रॉफिट बिजनेस का है और बिजनेस एंड ऑफ द ईयर अपने ओनर को दे देगा। तो बेटे रामू की कैपिटल, रामू की कैपिटल बढ़ गई किससे? 300 रुपए से। तो देखना जरा मैंने क्या इफेक्ट लिखा है, पहले लिखो बेटे ट्रांजैक्शन नंबर 4, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1800, कॉस्ट 1500। बेटे इस बात का दावा है, मैंने इस चैप्टर में अकाउंटिंग इक्वेशन में 34 क्वेश्चन लिखे हैं, इस बात का दावा है कि इसके बाद कोई भी बुक कर लेना आप धजियां उड़ा दोगे, धजियां। अगर शुरू के 10-12 क्वेश्चन ही ध्यान से मेरी एक्सप्लेनेशन के साथ लिख लिए तो बड़े से बड़े क्वेश्चन कर डालोगे। बेटे आओ 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 आओ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1800, कॉस्ट 1500। बेटा दुकान कमाई अर्निंग के लिए खोली जाती है, लिखा है, लिख लो, लिख लो। एक बच्चा हंस रहा है, ये क्यों लिखू? लिख ले बेटा, लिख ले, लिख लेना बेटे, या फ्री सेवा करने के लिए। एक बच्चा कहता है जी हमारे वहां प्याऊ होते हैं, पानी तो फ्री सेवा के लिए होता है। हाँ बेटे पानी प्याऊ फ्री सेवा के लिए होते हैं, वैसे जनरल बात बताओ कि दुकान क्यों खोली जाती है? प्रॉफिट के लिए, विद प्रॉफिटेबल मोटिव और नॉन प्रॉफिटेबल। रामू नोज द सीक्रेट दैट द गुड्स कॉस्ट एक्चुअली रुपीज 1500 बट ही इज चार्जिंग 1800 फ्रॉम द कस्टमर एंड ही इज अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 300 फ्रॉम दैट कस्टमर। प्रॉफिट ऑफ रुपीज 300, 1800 माइनस 1500 इज इक्वल टू 300। सो व्हेन वी सेल गुड्स, बैलेंस ऑफ गुड्स विल डिक्रीज। हमें पता है बेटा गुड्स बेचेंगे तो गुड्स का बैलेंस कम होगा, और गुड्स मैंने 1500 की बेची तो 1500 से गुड्स कम होंगी, बट कैश मैंने कस्टमर से कितने का लिया, ये जरूर लिखना नोट। मैं बता रहा हूं आपको, आपके जो कंसेप्ट पानी जैसे क्लियर होंगे, पानी पानी जैसे क्लियर हो जाएंगे। आप एक्सप्लेनेशन लिखिए, नोट लिखिए, नोट लिखिए, फ्रॉम कस्टमर वी विल रिसीव कैश ऑफ रुपीज 1800 बट गुड्स ऑफ रुपीज 1500 विल बी गोइंग आउट। 1500 की गुड्स जा रही है, 1800 आ रही, 1800 आ रही, 1800 आ रही, तो क्या करो बेटे? अब अकाउंटिंग इक्वेशन मिलेगी नहीं, मिसमैच आ जाएगा, क्योंकि एक जगह से हम 1800 बढ़ा रहे हैं और 1500 कम कर रही है। और बेटे डबल एंट्री क्या कहती है? सेम इफेक्ट दो जगह कम से कम। देखिए क्या लिखा है, विल नॉट टेली, क्या बढ़िया सी बात लिख गया बेटे, क्या बढ़िया सी बात लिख गया, विल नॉट टेली, 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 विल नॉट टेली। नाउ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 300, प्रॉफिट ऑफ रुपीज 300, प्रॉफिट ऑफ रुपीज 300, प्रॉफिट ऑफ रुपीज 300 विल गो इन द
इन द हैंड्स, बेटा हैंड्स है। एक बच्चा हंस रहा है, कह रहा है बड़ी गंदी हैंड राइटिंग है। कोई बात नहीं बेटे, बेटा समझाने का तरीका तो अच्छा है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आप पॉजिटिव देखिए, किसी में नेगेटिव मत देखिए। एंड अल्टीमेटली रामू, ओनर विल, कैपिटल विल इंक्रीज बाय रुपीज 300। बेटे इट विल इंक्रीज बाय 300। तो देखिए जी, मुनाफा होगा, रामू को कमाई होगी, आमदनी होगी, प्रॉफिट होगा। आइए जी, मैं आ गया जी, मैं आ गया। When profit will there, Ramu's capital will increase, and when loss is there, ऐसा भी तो हो सकता था कि goods उसने कम में बेच दी हो, बिल्कुल हो सकती। अब सर कम में क्यों बेचेंगे, मैं भी उस चर्चा में जा रहा बताऊंगा क्यों बेचेंगे। कई बार चूहा काट जाता है, कई बार डैमेज हो जाती है, वो भी देखेंगे। मान के चलो कि अगर कम में बेची तो लॉस हो गया, ज्यादा में बेची तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में एड होगा, लॉस होगा तो लॉस कैपिटल में लेस होगी। देखिए मैंने इक्वेशन बनाई है, बेटा देखो दोबारा से लिखा, पहला ट्रांजैक्शन अब कर चुके, दूसरा भी मैंने कॉपी पेस्ट लगाया, तीसरा अब मैं आया बेटा फोर्थ ट्रांजैक्शन। बेटा देखो पहला तो कर ही चुके हो लल्ला, दूसरा भी कर चुके हो, अकाउंटिंग इक्वेशन ही बनाई, तीसरी भी कर चुके हो, और बेटे आ जाओ और बेटे देखो फोर्थ ट्रांजैक्शन में आ जाओ, सोल्ड गुड्स। आओ बेटे, आजी दिल से दिल लगा जी, बात को यहां समझ लो जी, कैश 1800 आया जी, 1500 गुड्स गई जी, 300 रुपए का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा जी, देन ओनली there will be matching of accounting equation. So please see, 1800 रुपए मैंने, 1800 रुपए, 1800 रुपए कैश में इंट्रोड्यूस कर दिए बिल्कुल कर दिए, 1500 की गुड्स कम कर दी, और बेटे 300 रुपए का मैंने प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर दिया। तो चेक करिए, 30,300, 23,300, 3,500 गुड्स उतने की, फर्नीचर भी उतने का है। अच्छा गुड्स 1500 से कम हुई, गुड्स 1500 से कम हुई, और बेटे कैश 23,300 रुपए हो गया, बढ़ गया। अब आ जाओ जी, अब आ जाओ सर, कहां पे आना है बेटे, ट्रांजैक्शन नंबर 5 पढ़ो बेटे। बेटे ट्रांजैक्शन 5 है, रामू विड्रॉ ₹1000 फॉर पर्सनल यूज। बेटे ड्रॉइंग्स बताया हुआ, बेटे रामू ओनर है, अगर वो पर्सनल यूज के लिए पैसे लेकर जा रहा है घर में अपनी वाइफ को देने, क्योंकि उसकी वाइफ ने साड़ी खरीदनी है, कि हमें क्या करना है, जो मर्जी खरीदिए, हमें उससे क्या लेना है, हमें कुछ नहीं लेना। बेटे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि रामू को गुड्स, रामू ने ₹1000 विड्रॉ किए, ड्रॉइंग्स है। तो बेटे आप ये बताइए, इससे कैपिटल कम होगी, कैश भी कम होगा क्योंकि कैश ले रहा है, विड्रॉ कर रहा है, कैपिटल भी कम होगी, कैश भी कम होगा। तो देखिए बेटे ए मेरे बेटे, देखो जी पहला इफेक्ट है कैश कम कर दिया ₹1000 से। एक बच्चा कहता है प्लस क्यों नहीं किया, बेटा तेरे कान पर थप्पड़ मार रहा है, नींद आ रही है तेरे को, मैंने विड्रॉ किए, कुछ इंट्रोड्यूस थोड़ी किया रामू ने, निकाल लिए तो ₹1000 कम हो गए। बेटे आपके खून, आपने खून को दान दे दिया तो आपकी बॉडी से खून कम हुआ, कैपिटल भी कम हो गई। अब चेक करिए जी, 29,300, 22,300 गुड्स 3500 की और फर्नीचर 3500 का टोटल कर लीजिए, भले ये बराबर बेटे 29,300 ही आ रहे हैं, चेक कर लीजिए, एसेट साइड 29,300, कैपिटल 29,300। आगे चले बेटे, दो एक्सपेंस रह गए, दो ट्रांजैक्शन रह गई, एक ट्रांजैक्शन नंबर 6 और एक ट्रांजैक्शन नंबर 7। ट्रांजैक्शन 6 में है पेड सैलरीज, सैलरी पे। बेटे मैंने बताया था कि आप कैश पे करते हैं एक्चुअली में, जब आप किसी को खर्चे देते हैं तो आपने अपने एम्प्लॉइज की सर्विसेज ली, उसको कैश दिया, सैलरी पे की, लेकिन उसका नाम डाल देते हैं सैलरी एक्सपेंस। कैश गया तो एक्सपेंस, कैश आया तो इनकम।
अब बेटे सैलरी खर्चा है बेटे, इससे कैपिटल कम होगी, क्यों क्यों कैपिटल कम होगी बेटे, ये आप ये बताइए कि एक तरह का आप खर्चा बियर कर रहे हैं। तो बेटे मैंने मैंने 1200 रुपए 1200 रुपीज का कैश कम कर दिया, क्योंकि बेटे एक्चुअली में आप जब सेवाएं लेते हो तो कैश ही पे करते हो, और 1200 रुपए बेटे कैपिटल से कम हो जाएंगे, क्योंकि इससे ये एक्चुअली में जा क्यों रहे हैं बेटे, पैसे जा रहे हैं, आपने उनकी सर्विसेज ली है। तो बेटे 1200 रुपए वहां से मैंने कम किए, वहां से कम किए, अकाउंटिंग इक्वेशन देखिए, नई इक्वेशन बन गई, 28100 होगी, ये 21100 आ गया, और ये 3500 और ये 3500 बेटे लास्ट में आ गए, रेंट पेड, पढ़ लीजिए लास्ट ट्रांजेक्शन, पढ़िए बेटे लास्ट ट्रांजेक्शन पढ़ लीजिए जी, लास्ट ट्रांजेक्शन पढ़िए जी, क्या पे किया है? बेटे रेंट पेड, बेटे रेंट पेड इज ऑल्सो एक्सपेंस, बेटे जो भी एक्सपेंस होते हैं मेरी कैपिटल को कम करते हैं। मैं रिपीट करता हूं बेटे, एक्सपेंस और इनकम इनटेंजिबल है, एक से रेंट पे कर, एक से कैश पे करती है, एक से कैश आता है। बेटे जब मैं कुछ पे करता हूं तो एक्सपेंस मेरी कैपिटल को कम करते हैं, कम करते हैं, इनकम मेरी कैपिटल को बढ़ाती है, बढ़ाती है, बढ़ाती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्सपेंस और इनकम का नेचर ऑपोजिट है, विद हेल्प ऑफ एक्सपेंस माय कैपिटल इज बीइंग रिड्यूस्ड एंड विद हेल्प ऑफ इनकम माय कैपिटल इज इंक्रीज्ड, सो दैट्स व्हाई इन केस ऑफ सैलरीज आई हैव रिड्यूस्ड माय कैश एंड आई हैव रिड्यूस्ड माय कैपिटल, नाउ आई एम पेइंग रेंट, नाउ एक्चुअली दिस इज नॉट रेंट, एक्चुअली आई एम पेइंग कैश बिकॉज़ आई हैव अचीव्ड, बिकॉज़ आई हैव अवेल्ड सम सर्विसेज, so I will pay rent, rent paid is my rent expense and that is cash is going out, so that's why it is expense and it will reduce my capital, to dekh check kariye 800 rupaye ka maine cash kam kar diya bete, 800 rupaye ka maine cash kam kiya aur 800 rupaye se meri capital kam ho gayi bete, expense se capital kam hoti hai, income se capital badhti hai, expense se capital kam hoti hai, इनकम से कैपिटल बढ़ती है। आप चेक कर लीजिए 27300 यहां पर आ गया, कैश का बैलेंस 20300, गुड्स 3500, फर्नीचर 3500, तो टोटल करिए मैच कर रहा है। मैं फिर रिपीट करता हूं, आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी चाहिए, आपको कमर सीधी करके बैठना चाहिए, आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, इसके बाद आप किसी भी किताब की धज्जियां उड़ा दोगे बेटा, लॉजिक्स भूपेश आनंद के नाम पास है, बी हैप्पी बी जॉली बी चीयर। मैं तो चाहता हूं कि आप क्या करें, इसको बेटे विकिपीडिया में आज जाकर देखें, अकाउंटिंग इक्वेशन विकिपीडिया क्या कहती है, एक सेकंड लगेगा आपको कुछ और ज्ञान आएगा विकिपीडिया के साथ। बेटे बड़ी प्यारी साइट है विकिपीडिया, इन्वेस्टोपीडिया देख सकते हैं, विकिपीडिया देख सकते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन खाली गूगल में डालें और देखें कितनी सारी एक्सप्लेनेशन है। आज के लेक्चर के बाद आपको वो वाली बातें अब समझ आनी शुरू हो जाएंगी। बी हैप्पी बी जॉली बी चीयरफुल, be happy, be jolly, be cheerful, तीन बार बोलेंगे सभी, be happy, be jolly, be cheerful।